तुम सिर्फ इतना बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है। सिर्फ वो पेज गायब है जिसमें उस औरत का नाम और एड्रेस लिखा था। पेज पूरी तरह फटा नहीं, इस पे भी कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। ज्यादातर लोग उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जो उनके घर से करीब हो। याद रख जे, अगर एक माँ अपने औलाद की खातिर जान दे सके है तो अपनी बच्ची की जान बचाने की खातिर जान ले भी सके है। जो लोग यहाँ रहते हैं वो कहाँ गए बता सकते हैं? साहब यहाँ तो कोई नहीं रहता। कहाँ होगी वो नाहर हमारी बेटी? आ, 21 सितंबर रात 9 बजे जी टीवी पर। अभी फोन में रिमाइंडर लगवा लेता हूँ वरना भूल गया तो शो मिस हो जाएगा। कुंवर साहब कुछ जरा बलून वगैरह लगाइए, ये अपने आप से क्या बातें कर रहे हैं आप? वो क्या है ना, जी टीवी पर आइडिया जी अस्तित्व अवार्ड है ना, वो टेलीकास्ट होने वाला है 21 सितंबर को रात 9 बजे। अगर ये शो आप एक बार देखेंगे ना तो हर साल पूरे साल इसी का वेट करेंगे। अरे बहुत धमाकेदार शो होता है। ठीक है देख लेंगे, लेकिन आप जरा जल्दी कीजिए, बच्चे आते होंगे अपनी गुड़िया को लेकर। काका साहब मैं तो हार लगाए हुआ था, लेकिन एक बात है, अब गुड़िया को क्या बलून वलून की समझ है? आपको लगता है ज्यादा मजा आ रहा है, अपने बच्चन के दिन याद आ गए आपको। अभी तक नहीं आया सलोनी नाहर, कितनी देर कर दी इन लोगों ने। अरे आ गए ये लोग। वहीं रुक जाओ, अंदर मत आना। कहाँ छुपा रखा है मेरी लाडो को? क्या बात है, क्यों रो रही है? कहाँ है मेरी बिटिया? हमारी बेटी नहीं मिली बाबा। हमारी बेटी जिंदा है इतना भर तो मालूम है हमें बाबू, लेकिन वो कहाँ है, कैसी है, कुछ नहीं मालूम। पर तुम लोग तो अस्पताल गए थे डॉक्टर से मिलने। लेकिन किसी ने हॉस्पिटल के रजिस्टर से वो पन्ना फाड़ दिया जिस पर लिखा पता हमें हमारी बेटी तक पहुंचा सकता था। किसी को तो मालूम होगा ना कि हमारी बच्ची कहाँ है? नहीं भाई साहब, किसी को कुछ नहीं मालूम। आधे अधूरे पते पर भी जाकर देख लिया लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला। मुट्ठी में आते आते खुशियां फिसल के जीत पर पहुंचकर भी हार गए भाई साहब। कलिका दीदी ने मेरी बेटी के जिंदा होने की खबर देकर नए प्राण फूंक दिए मुझ में, लेकिन नहीं जानती थी कि ये नया जीवन भी एक छलावा बनकर रह जाएगा। कलिका दीदी ने जीते जी मार डाला हमें बाबू। अपना जी छोटा ना कर सलोनी, ये भी क्या कम है कि जिस बच्चे का हम शोक मना रहे थे वो जीवित है। बस अब हमें उसे ढूंढने के लिए रास्ता निकालना होगा। नार, चलो कमिश्नर अंकल के पास चलते हैं, उन्हीं से जाके बात करते हैं। हाँ सलोनी, ये गोली ले लो, तुम्हें आराम मिलेगा।
मम्मी मैंने सच में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर ईश्वर मेरे साथ ऐसी आंख में चोली क्यों खेल रहे? एक पल में मुझे खुशी देते हैं और दूसरे पल उसे छीन भी लेते हैं। ईश्वर की लीला वही जाने लाडो, वही सारे संसार का रखवाला है। वो जो कुछ भी करता है ना, जरूर उसमें कोई ना कोई भलाई छुपी होती है। बिना कारण वो कुछ भी नहीं करता बेटा। अगर उसने तेरा मन दुखाया है तो उसके पीछे भी जरूर कोई कारण होगा। अगर उसने तेरी खुशियों से तुझे दूर रखा है बेटा, तो जरूर ईश्वर किसी और तरीके से तुझे तेरी खुशियां देना चाहता होगा। लेकिन कब? जब अपनी बेटी की याद में जल जल कर मैं खत्म हो जाऊंगी? नहीं बेटा, अपनी जुबान से ऐसी शुभ बात मत निकाल मेरी बच्ची। माता रानी महाराज जरूर सब कुछ अच्छा करेंगे। भगवान तुझे बेऔलाद नहीं रखेगा बेटा। मम्मी मैं जानती हूँ, मेरे आंसू आपसे बर्दाश्त नहीं होते, मेरा दुख सहन नहीं होता आपसे, इसलिए मेरा मन बहलाने के लिए ये सब कह रही। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मम्मी जिस तरह आपका दिल मेरे लिए रोता है, मैं भी अपने बच्चे के लिए तड़पती हूँ। क्या हुआ अगर मैंने अब तक उसे अपनी गोद में नहीं लिया, अपने सीने से नहीं लगाया? लेकिन एक माँ तो हो ना। अंबिका साहब, समधी साहब बाहर आपकी राह देख रहे हैं, अब आप लोग घर जाके आराम कीजिए ना। ब्रिजेश नाहर गए ना बच्ची का पता लगाने, वो मिल जाएगी, आप क्यों अपने आप को इतना कष्ट दे रही हैं? समधी साहब भी कितने दिनों बाद लौटे हैं, थके हुए होंगे, आप लोग घर जाके आराम कीजिए। चल हमारी बेटी के बारे में। नाहर आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? कमिश्नर अंकल के ऑफिस में क्या हुआ? तुम फिक्र क्यों कर रही हो सलोनी? कमिश्नर अंकल ने प्रॉमिस किया है कि वो बहुत जल्द हमारी बेटी को ढूंढ निकालेंगे, और फिर हम भी हाथ ना धरे तो नहीं बैठे ना। मुझ पे भरोसा तो है ना तुम्हें? बैठो। तो तुम ये भी जानती हो कि मैं तुम्हारे इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। इन आंसुओं को रोक लो। अगर सारा वक्त हमने रोकर ही बिता दिया तो अपने माँ बाप होने का फर्ज कैसे निभाएंगे हम? हमारी बिटिया बहुत जल्द आ रही है इस घर में, बहुत सारी तैयारियां करनी है, और खुद को अपनी बेटे की जिम्मेदारी निभाने के काबिल भी तो बनाना है। आप सच कह रहे हैं ना, हमारी बेटी मिल जाएगी ना? I am 200% sure. वादा तो कर दिया मैंने सलोनी से, अब मेरे इस वचन को पूरा करना आपके हाथ में ही है भगवान। छोरी का बुखार तो उतर ही नहीं रहा है, दवाई भी खत्म हो गई, अब इतनी रात को क्या करूं?
जी सुने हो, सावरी की दवा लेने में वैद्य जी के पास जा रही हूँ। जब तक लौट के ना आ जाऊं, थे सावरी का ध्यान रखना। मारे से नहीं होगा ये सब। इतनी चिंता छोरी की, तो मुसीबत को अपने साथ लेके जा। कैसो काड़ो मन है थारो, देखता नहीं ये बूंदा बांदी शुरू हो गई है। छोरी को साथ ले जाऊंगी तो भीग जाएगी, वैसे भी बीमार है। अरे तो मर जाएगी और क्या। मारी अकेले की नहीं, थारी भी बेटी है ये। तू बाप है इसका बाप। चल जा, मत रख ध्यान। मारो ईश्वर है ना, वो ध्यान रखेगा। आऊं बेटा। इससे पहले कि ये मुसीबत बड़ी हो के हमारी छाती का बोझ बन जाए, कुछ करना पड़ेगा। सारी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी छोरी। अरे को कोठे पे बेचा था। अरे इस मुसीबत से भी छुटकारा मिल जाएगा और कुछ पिज्जा भी मिल जाएगा हमारे को। थारे लिए सावरी, सावरी, हे भगवान, सावरी, 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 सावित्री, तेरा पति आया था यहाँ। जाने क्यों चोरों की तरह लुका छुपा डरा सहमा सा था। बच्ची भी उसी के साथ थी। तो कहाँ ले गया वो उसको? ज्यादा कुछ पता नहीं, पर उस और गया है। सावरी, सावरी, मारी सावरी की रक्षा करना, वो किसी मुसीबत में ना पड़ गई हो। उसके सिवा मारा कोई नहीं, उसकी रक्षा करना भगवान। रक्षा करना भगवान। अरे सोच समझ के मुंह फाड़ियो अपना और ढंग से भाव लगाइयो इसका। अरे बित्ती भर की तो है नहीं, इसके पालने पोसने में जो खर्चा होगा उसका क्या? अगर ज्यादा क्या मांगेंगे हमारे को? 5,000 काफी। कहाँ से उठा लाया इसे
अरे ऐसा ना हो कल पुलिस पुलिस का कुछ लफड़ा हो जाए। मारी अपनी फसल है, मारी छोरी है। वाह रे वाह, समाज वाले हमको वेशिया, चलाक और दो टके की कहते हैं। और ये देखो, ये बाप अपनी बेटी को कोठे पे बेचने आया है। दिखा शक्ल तो, दिखा छोरी की। ओए, पी के आया क्या? अरे हमारे कोठे पे तो हीरो का धंधा होता है, कोयला बेचना है तो कहीं और जा। आ जाते हैं दिमाग खाने और समय बर्बाद करने। और तेरे से कोई गोरी चिट्ठी पैदा नहीं हुई क्या? अरे इस मुसीबत को मुझे अपने गले पालने का कोई शौक नहीं है, चल निकल यहाँ से। आप नाराज क्यों हो रही है? दो चार रुपए कम कर देंगे। अरे भाई चलो चलो निकलो, बाहर निकालो इसे। देखा नहीं कोठा की चले आए दिमाग खाने के लिए। मनहूस है ऐसे बात आते हैं। आपकी सजा मिली है मुझे। अरे तेरे को तो कोई मुफ्त में भी अपने पास न बिठा देगा। अरे आप रोक रही है, खिलौना लेके लाओ, मेरे तो किसी काम की रही नहीं थे। क्या सोच रही हो? हमारे बच्चे के ख्यालों में होना, पता ही सोच रही हूँ कि इस वक्त वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, कहीं कहीं बारिश में भीग तो नहीं रही होगी। तुम क्यों चिंता कर रही हो सलोनी? हमारी बेटी जहां भी होगी सही सलामत होगी। उसे पालने वाले सीने से लगा कर रख रहे होंगे, उसे बहुत प्यार से ख्याल रख रहे होंगे हमारी अमानत का। नार, हम अपनी बेटी के लिए वो सब कुछ करेंगे जो एक माँ बाप सिर्फ कल्पना करते हैं। हम उसे सवाई मानसिंह स्कूल में भेजेंगे, वो ठीक रहेगा या फिर जेपीएस? जेपीएस भी ठीक रहेगा, आप क्या कहते हैं, कौन से स्कूल भेजेंगे? सरनी, मुझे लगता है कि हमें कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चलना चाहिए। बाहर चलकर ही अपनी बच्ची के लिए प्लानिंग करेंगे कि उसका नाम क्या रखेंगे, वो कौन से स्कूल में जाएगी वगैरह। ये ठीक रहेगा नार, हम आराम से बैठकर। लेकिन लेकिन अगर हमारे पीछे से हमारी बेटी यहाँ आ गई तो हम उसे कैसे देखेंगे? और दौड़कर मैं उसे गले कैसे लगाऊंगी नार? नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन सलोनी, तुम्हें आराम की भी जरूरत है ना? मैं कौन से पहाड़ तोड़ती फिरती हूँ जो मुझे आराम की जरूरत है? हम कहीं नहीं जाएंगे। नार, ये आवाज सुनी आपने? ये तो हमारी बेटी की आवाज है। हाँ नार, हमारी बेटी आ गई। सलोनी रुको, सलोनी। सलोनी,